दिवाली का टाइम है और कुछ न कुछ तो बनता रहता है, तो आज दिन में पनीर की सब्जी बनाने के बाद कुछ पनीर बच गए थे, तो शाम के नाश्ते के लिए हम लोगों ने कुछ लजीज सा पनीर पराठा हम लोगों ने प्रिपेयर करा है। यहाँ पे हम लोग 1.5 कप आटा ले लिए हैं दोस्तों, उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, लाल मिर्च, नमक डाल के अच्छे से तेल डाल के मोइन कर लेंगे। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अब सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही मोर इजी रेसिपी के लिए, जो बैचलर और हॉस्टलरों के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ पे 1/2 कप पानी डालेंगे पहले और अच्छे से उस मोइन किए हुए आटे को हम लोग गूंद देंगे। हम लोग को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है, हार्ड ही गूंदना है हम लोग को आटे को। यहाँ पे पनीर में हम लोग थोड़े से लाल मिर्च, नमक, कसूरी मेथी डाल के अच्छे से मैगी मटर मसाला डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे कि इवनली स्प्रेड हो जाए मसाले। और यहाँ पे तब तक हमारे मसाले लग रहे हैं साइड होने के लिए, रेस्ट करने के लिए रख दिए हैं पनीर और आटे को, तो साइड में चॉपिंग कर लेते हैं हम लोग। बारीक बारीक फाइनली चॉप करना है हमको, तो संभाल के करना, नहीं तो शायद कट भी सकता। पनीर की चॉपिंग हो गई यहाँ पे, उसी तरह हम लोग धनिए की चॉपिंग कर लेंगे, इसको भी डंठल के साथ करेंगे, डंठल को हम लोग फेंकेंगे नहीं दोस्तों। और साथ में हम लोग मिर्च भी चॉप कर लेंगे, यहाँ पे 2 मिर्च का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखिए तो सारे हमारे चॉप हो गए हैं ऑलमोस्ट, और इनको साथ मिक्स कर लेंगे हम लोग को जो पनीर का हम लोगों ने सॉटे किया था, और अच्छे से इवनली मिक्स कर लेंगे। और साइड में हम लोग एक पराठा रोल करेंगे नॉर्मल गोल सा, जिसके हम लोग को आधे साइड पनीर लगाना है, तेल लगाना, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अच्छे से रोल हो गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे हम लोगों ने आधे साइड पनीर की जो स्टफिंग थी हम तैयार की थी उसको लगाएंगे, अच्छे से मेनली स्प्रेड कर देंगे। फिर एक साइड हम लोग घी लगा लेना है 1/2 टीस्पून के अराउंड, इसको हम लोग अच्छे से हम लोग फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम लोग को सेम प्रोसेस इधर भी अपनाना है हम लोग को। यहाँ पे भी आधे साइड तेल लगा, यहाँ पे भी हम लोग को पनीर की स्टफिंग जो बनाए रखी थी इसको भी लगा के तिकोने पराठे का शेप दे देंगे, जिससे हमारा रोटी बेलने पे हमारा तिकोना शेप आए, जो देखने में ही बहुत लजीज लगता है, तो खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रोल कर रखा है, तवा गर्म हो गया है, यहाँ पे हम लोग पराठे को रख लेंगे। साइड बाय साइड दूसरा पराठा भी हम लोग कर लेते हैं स्टफिंग, यहाँ पे इसको भी बेल लेंगे। यहाँ पे घी लगा लेंगे दोस्तों, और दोनों साइड उलट पुलट कर अच्छे से करारे सेक लेंगे पराठों को। यहाँ पे तिकोना पराठा देख रहे हैं, एक साइड से हो गया, दूसरी साइड से भी देख सकते हैं कितने करारे हो गए हैं। इसी तरह हम लोग को दूसरा पराठा भी रोल कर लेना है, इसमें भी हम लोग को तेल लगा लेना है, और अच्छे से दोनों साइड करारे बना लेने हैं। यहाँ पे एक हम लोगों ने गोल पराठा रोल किया था, मन कर रहा था ऐसे ही, क्योंकि तिकोना पराठा तो ऑलरेडी हो चुके थे, और यहाँ पे हम लोगों ने लेके सर्व कर लिया।